असल डीर व्यूअर्स उम्मीद करता हूँ क्या सब खैरियत से होंगे आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट एंटोनेम बेस्ड एम सी क्यू फॉर पंजाब यूनिवर्सिटी एंटीटेज प्रिपरेशन इससे पहले हमने एनोलॉजी और सिनोनेम बेस्ड एम सी क्यू पर ऑलरेडी वीडियोज़ अपलोड कर दी हैं अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आप वो वीडियोज़ भी ज़रूर देखें आज की इस वीडियो में हम आपके साथ टोटल 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट एंटोनीम एमसीक्यू डिस्कस करेंगे जिनमें से 25 एमसीक्यू इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और रिमेनिंग 25 फाइव एंटोनीम बेस्ड एम अगले पार्ट टू में डिस्कस किए जाएंगे तो चलें देख लेते हैं फर्स्ट ट्वेंटी फाइव एंटोनीम बेस्ड एम फॉर पी यू एंटी एंटोनेम नंबर वन है एंटोनेम ऑफ माइट माइट का मतलब होता है कि पावर या कोई मतलब शायद इस तरह के मैनी में इसको हम यूज़ करते हैं सो so, इसके लिए इंपॉर्टेंट एंटोनेम आपने याद रखने हैं वीकनेस आइडलनेस एंड इनएक्टिविटी और इसके लिए करेक्ट ऑप्शन हम मार्क करेंगे डेल्टा वीक एंटोनेम ऑफ ओवर्ट ओवर्ट का मतलब होता है ज़ाहरी या साफ सफा साफ शफाफ कोई चीज़ तो इसके लिए इंपॉर्टेंट एंटोनेम याद रखने हैं सीक्रेट हिडन एंड कंसील्ड और इसके लिए करेक्ट ऑप्शन बनता है हमारे पास चार्ली सीक्रेट एंटोनेम ऑफ गैदर गैदर का मतलब होता है जमा करना या इकट्ठा करना इसके लिए इंपॉर्टेंट एंटोनेम याद रखने इंपॉर्टेंट एंटोनेम याद रखने स्केटर डिस्पर्स एंड डिसिपेट और इसके लिए ऑप्शन बनता है हमारे पास एल्फा स्कैटर विच इज करेक्ट एंटोनेम फॉर गैदर एम सी क्यू नंबर फोर है एंटोनेम ऑफ लीनियट लीनियंट का मतलब होता है नरम दिली या रहम दिल कोई पर्सन तो इसके लिए एंटोनेम आपने याद रखना है हार्श मर्सीलेस एंड इनटॉलरेंट और इसके लिए करेक्ट ऑप्शन बनता है हमारे पास डेल्टा हार्श विच इज करेक्ट एंटोनेम फॉर लीनियंट एंटोनेम ऑफ ऑफिशियल ऑफिशियल का मतलब होता है सरकारी कोई काम या कोई भी ऑफिशियल वे सरकारी चीज़ ठीक है तो इसके लिए इंपॉर्टेंट एंटोनेम है आपके पास प्राइवेट इनवेलिड एंड अनएक्सेप्टेबल तो इसके लिए करेक्ट ऑप्शन बनेगा हमारे पास डेल्टा प्राइवेट जो कि करेक्ट एंटोनिम है फॉर ऑफिशियल एंटोनीम ऑफ रेबिड रेबिड का मतलब होता है पागल या मतलब कोई पर्सन जो गमगीन रहे ज्यादा तो इसके लिए इंपॉर्टेंट एंटोनीम आपने याद रखना है रेशनल हैप्पी एंड कॉम तो इसके लिए ऑप्शन मार्क करेंगे चार्ली रेशनल जो कि करेक्ट एंटोनिम है रेबिड के लिए एंटोनेम ऑफ डिवेलमेंट डिवेलपमेंट का मतलब होता है तरक्की करना या खुशहाली की तरफ मूव ऑन करना तो इसके लिए इंपॉर्टेंट एंटोनेम है हमारे पास रिट्रोग्रेसिव डिक्रीज एंड रिडक्शन और इसके लिए करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास बीटा रिट्रोग्रेशन। एंटोनेम ऑफ अंडरटेकिंग अंडरटेकिंग का मतलब होता है इकदाम करना तो इसके लिए इम्पोर्टेंट एंटोनेम आपने याद रखना है रिफ्यूजल आइडलनेस एंड इनएक्टिविटी और इसके लिए करेक्ट ऑप्शन हम मार्क करेंगे बीटा रिफ्यूजल जो कि करेक्ट एंटोनेम है अंडरटेकिंग के लिए एंटोनेम ऑफ रिस्पाइट रिस्पाइट का मतलब होता है मोहलत देना किसी को इसके लिए इंपॉर्टेंट एंटोनेम है हमारे पास एग्जर्शन पनिशमेंट पनिशमेंट एंड ब्लेम एंड सेंसर दोबारा सुन लें एग्जर्श रिस्पाइट eh, के लिए इंपॉर्टेंट एंटोने में हमारे पास एग्जर्शन पनिशमेंट सेंचर एंड ब्लेम और इसके लिए करेक्ट ऑप्शन हम मार्क करेंगे बीटा एग्जर्शन जो कि करेक्ट एंटोने में रिस्पाइट के लिए एंटोने ऑफ एम्ब्रेस एम्ब्रेस का मतलब होता है गले लगाना या किसी से प्यार से मिलना तो इसके लिए इंपॉर्टेंट एंटोने है हमारे पास रिजेक्ट फ्री एंड डिसबिलीव और इसके लिए करेक्ट ऑप्शन मार्क करेंगे चार्ली रिजेक्ट जो कि करेक्ट एंटोने है एम्ब्रेस के लिए एलेवन एम्स की देखते हैं एंटोनेम ऑफ हैप्पीनेस हैप्पीनेस का मतलब होता है खुशी और इसके एंटोनेम होते हैं गमगीन होना या सैड होना तो इसके बहुत से एंटोनेम है ग्रीफ सोरो सैड पेन डिप्रेशन गलूमी एक्सेट्रा तो इसके लिए करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बनेगा बीटा ग्रीफ जो कि करेक्ट एंटोनेम हैप्पीनेस है के लिए एंटोनेम ऑफ प्रो प्रोफेन प्रोफेन का मतलब होता है बे बेहरमती करना या किसी की बेजती करना डिस रिस्पेक्टफुल वे से किसी से कोई काम करना या बातचीत करना तो इसके लिए इंपॉर्टेंट एंटोनेम हमारे पास बनती है रिस्पेक्टफुल पॉयस मॉरल एंड डिसेंट और इसके लिए करेक्ट ऑप्शन मार्क करेंगे डेल्टा पॉयस जो कि करेक्ट एंटोनेम है प्रोफेन के लिए एंटोनेम ऑफ डाइवर्ज डाइवर्ज का मतलब होता है हट जाना या रास्ते से मतलब अलीहदा हो जाना किसी भी काम के दौरान ठीक है तो इसके लिए इंपॉर्टेंट एंटोनेम है हमारे पास कन्वर्ज स्टे ज्वाइन एंड गैदर और इसके लिए करेक्ट ऑप्शन बनेगा हमारे पास बीटा कन्वर्ज एंटोनेम ऑफ ट्रेजिडी ट्रेजिडी का मतलब होता है कोई सान्या हो जाना या एक्सीडेंट हो जाना तो इसके लिए इंपॉर्टेंट एंटोनेम है हेल्थ विक्ट्री सक्सेस एंड हैप्पीनेस और करेक्ट ऑप्शन हम मार्क करेंगे इसके लिए एल्फा हेल्थ एंटोनेम ऑफ एडवर्सिटी एडवर्सटी का मतलब होता है कोई मुसीबत या आफत आ जाना तो इसके लिए इंपॉर्टेंट एंटोनीम है हमारे पास प्रोस्पेरिटी एडवानटेज ईज एंड जोए और इसके लिए करेक्ट ऑप्शन हम मार्क करेंगे डेल्टा प्रोस्पेरिटी विच इज़ करेक्ट एंटोनेम फॉर एडवर्सिटी एंटोनेम ऑफ मॉडर्न मॉडर्न का मतलब होता है जदीद इसके लिए एंटोनीम है एनशियट ओल्ड पास्ट एंड एंटीक और इसके लिए करेक्ट ऑप्शन हम मार्क करेंगे डेल्टा एनशियट जो कि करेक्ट एंटोनीम है मॉडर्न के लिए एंटरनेम ऑफ रिवार्ड रिवार्ड का मतलब होता है इनाम या किसी को अता करना कोई चीज़ तो इसके लिए इंपॉर्टेंट एंटोनीम है हमारे पास पेनल्टी लॉस एंड बॉटम, और इसके लिए करेक्ट ऑप्शन मार्क करेंगे चार्ली पेनल्टी जो कि करेक्ट एंटोनेम है रिवार्ड का एंटरनेम ऑफ डोरसल डरसल जिस तरह अगर आप अपने मोबाइल पर जैसे अभी देख रहे हैं तो इस मोबाइल की बैक साइड को हम कहेंगे डोरसल और मोबाइल की फ्रंट स्क्रीन जहाँ पर आपको ये डोरसल का वर्ड नज़र आ रहा है उसे हम कहेंगे वेंट्रल साइड सो डोर्सल साइड को हम कहते हैं बैक साइड या मतलब डाउनवर्ड कोई भी चीज़ है उसको हम कहेंगे डोर्सल साइड ठीक है इसके लिए जो एंटोनीम आपने याद रखने हैं वो हैं हमारे पास वेंट्रल फ्रंट एंड एंटीरियल और इसके लिए करेक्ट से हम मार्क करेंगे बीटा वेंट्रल जो कि करेक्ट एंटोनीम है डोर्सल का एंटोनीम ऑफ एग्जॉसप्रेट एग्जॉसप्रेट का मतलब होता है बेचैन होना इसके लिए इंपॉर्टेंट एंटोनीम है प्लीज कम्फर्ट ग्लैड एंड काम और इसके लिए करेक्ट ऑप्शन हम मार्क करेंगे एल्फा प्लीज जो कि करेक्ट एंटोनेम है एग्जॉस्परेट के लिए एंटोनेम ऑफ इंसोलेंट इंसोलेंट का मतलब होता है गुस्ताखी करना या किसी से बदतमीजी से काम कर बातचीत करना इसके लिए इंपॉर्टेंट एंटोनेम है पोलाइट हम्बल एंड रिस्पेक्टफुल और करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बनेगा इसके लिए चार्ली पोलाइट ट्वेंटी वन देखते हैं एंटोनिम ऑफ वेग वेग का मतलब होता है अनक्लियर या मुबहम कोई चीज़ तो इसके लिए इंपॉर्टेंट एंटोनिम है हमारे पास डेफिनेट अपेयरेंट क्लियर नीट एंड क्लीन और इसके लिए करेक्ट ऑप्शन हम मार्क करेंगे ट्वेंटी वन के लिए डेफिनेट डेल्टा विच इज़ करेक्ट एंटोनिम फॉर वेग एंटोनिम ऑफ ऑब्स्टिनेट ऑब्स्टिनेट का मतलब होता है जिद करने वाला कोई पर्सन तो इसके लिए इंपॉर्टेंट एंटोनिम आपने याद रखे हैं प्लाइएबल फ्लेक्सीबल एंड एग्रीएबल और इसके लिए करेक्ट ऑप्शन मार्क करेंगे चार्ली फ्लाइएबल जो कि करेक्ट एंटो नेम है ऑप्सिनेट के लिए इसके लिए इंपॉर्टेंट एंटो नेम बताए मैंने सरेंडरिंग फ्लेक्सिबल एंड एग्रीएबल ठीक है एंटो नेम ऑफ डिस्काउंट डिस्काउंट का मतलब होता है रियायत करना मतलब किसी चीज़ में रियायत कर देना या कोई भी इस तरह का ठीक है तो इसके लिए इंपॉर्टेंट एंटोनेम है हमारे पास प्रीमियम एडिशन इंक्रीज एंड राइज और इसके लिए करेक्ट ऑप्शन मार्क करेंगे बीटा प्रीमियम जो कि करेक्ट एंटोनेम है डिस्काउंट के लिए एंटोनेम ऑफ अर्बन अर्बन का मतलब होता है शहरी ज़िंदगी या शहरों में रहने वाले पर्सन या शहर को हम कहते हैं अर्बन ठीक है इसके लिए इंपॉर्टेंट एंटोनेम है हमारे पास कंट्री रूरल एंड विलेज और इसके लिए करेक्ट ऑप्शन मार्क करेंगे एल्फा रूरल जो कि करेक्ट एंटोनेम है अर्बन के लिए लास्ट एम सी क्यों देखते हैं आज की वीडियो का एंटोनेम ऑफ डिस्काउंट ये एम सी क्यों ऑलरेडी आ चुका है सो so डिस्काउंट का मैंने आपको मीनिंग बताया इसका मतलब होता है रियायत ठीक है और इसके लिए एंटोनेम मैंने मैंने आपको बताए थे प्रीमियम एडिशन इंक्रीज एंड राइज तो इसके लिए करेक्ट ऑप्शन बनता है हमारे पास बीटा प्रीमियम थैंक यू सो मच एवरी ये थे आज की वीडियो के एम अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें तो इन मिलते हैं अगली वीडियो में अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज़